अगर जवाहरलाल नेहरू वो फैसला ना लेते तो असली तारा सिंह को सकीना से कभी जुदा ना होना पड़ता। उन्हें ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान नहीं देनी पड़ती। 23 साल पहले रिलीज हुई सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदन ने कामयाबी की ऐसी इबादत लिखी कि बच्चे बच्चे को तारा और सकीना की प्रेम कहानी याद रह गई। एक बार फिर तारा और सकीना की कहानी पर्दे पर लौट रही है। गदर 2 को लेकर माहौल पूरी तरह से बन चुका है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तारा और सकीना की ये प्रेम कहानी बिल्कुल असली है। ये कहानी बूटा सिंह नाम के शख्स की है, जिसकी पत्नी का नाम जैनब था। दोनों बंटवारे के बाद शादी कर भारत में रह रहे थे। बूटा सिंह पंजाब के सिख सैनिक थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद वो भारत लौट आए। इस बीच 1947 में देश का बंटवारा हुआ और दंगे भड़क गए। इन दंगों में एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई, जो जैनब थी। जैनब का परिवार भारत से पाकिस्तान चला गया और वो पीछे छूट गई। बूटा सिंह हीरो बनकर आए और उन्होंने दंगाइयों से जैनब की जान बचाई। उन्होंने जैनब को अपने घर पर रखा। इस दौरान दोनों को प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी रचा ली। शादी को 8 साल हो गए थे। बूटा सिंह और जैनब की 2 बेटियां थी। तभी सरकार की तरफ से एक कानून लाया गया, जिसके चलते जैनब को जबरन पाकिस्तान भेज दिया गया। कानून इसलिए लाया गया ताकि बंटवारे के दौरान किडनैप की गई महिलाओं को उनके परिवार के पास भेजा जा सके। आंकड़े कहते हैं कि बंटवारे के दौरान करीब 1 लाख महिलाओं को किडनैप कर लिया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि सकीना अपनी मर्जी से पाकिस्तान जाती हैं, लेकिन सच में उन्हें भारतीय अधिकारियों ने जबरन पाकिस्तान भेज दिया था। बूटा सिंह अपनी पत्नी और बेटी को वापस लाने के लिए गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हुए। सरकार ने उनका वीजा रिजेक्ट कर दिया था, तो ऐसे कानूनी तरीके से जाना बिल्कुल संभव नहीं था। वो एक मुस्लिम शख्स के साथ पाकिस्तान गए। यहाँ आने के बाद बूटा सिंह ने अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें पता था कि पत्नी का गांव कहां पर है। बूटा सिंह जैनब के घर पहुंचे तो घर वालों ने उनकी बहुत पिटाई की और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बूटा को जेल में रहना पड़ा। कई महीनों बाद जब मामले की सुनवाई हो रही थी तो जैनब को अदालत में बुलाया गया। यहां उनसे पूछा गया कि क्या बूटा सिंह ने उन्हें जबरदस्ती अपने साथ भारत में रखा था, क्या बूटा सिंह के साथ रहना चाहती हैं। इस मामले में ऐसा माना जाता है कि जैनब ने अपने परिवार के दबाव में आकर कहा कि मुझे बूटा सिंह के साथ जबरदस्ती रहना पड़ा, उन्होंने जबरदस्ती शादी की है। इसलिए बूटा सिंह बुरी तरह से टूट गए। जिस जैनब के लिए इतने जतन करके पाकिस्तान आए और इतना टॉर्चर सहा, अब वही उनके साथ रहने के लिए मना कर रही थी। अदालत ने जैनब को उनके घर भेजने को कह दिया, जबकि बूटा सिंह को जेल में रखने या भारत भेजने का फैसला सुना दिया गया। मगर बाद में वो ट्रेन के सामने पाए गए। पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि बूटा सिंह ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली है। उनके साथ उनकी बेटी भी थी, जो सही सलामत मिली। उस दौरान बूटा सिंह पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गए थे। लोग उनकी मोहब्बत और हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। उनके निधन पर मीडिया ने उन्हें शहीद मोहब्बत का टाइटल दे दिया था। गदर इन्हीं बूटा सिंह और जैनब की असली कहानी है। वे लाभ क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट पर दीजिए और ऐसी अपडेट के लिए बॉलीवुड फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए।